लग्न पद कारकांश लग्न और पद लग्न को इनको यहाँ पे समझते हैं। जमे सूत्र में कारकांश लग्न से फलित का वर्णन किया गया, यह फलित लग्न और पद लग्न से भी विचार कर सकते हैं और इन तीनों लग्न से फलित करना ज्यादा उचित होता है। इनके फलित में क्या अंतर होता है, यह अंतर के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन कारकांश लग्न मुख्य लग्न कहा जाता है। लग्न मूल कुंडली है और जातक की इच्छा और कामना को दर्शाती है। पद लग्न लग्न का प्रतिबिंब है। कारकांश कुंडली वास्तविक फलित को दर्शाती है जो भाग्य में है। लग्न कुंडली व्यक्ति की कामना को दर्शाती है। पद कुंडली व्यक्ति का बाह्य समाज द्वारा आकलन होता है। यह समाज द्वारा व्यक्ति का देखा गया स्वरूप होता है। उदाहरण के लिए यदि कारकांश कुंडली में द्वितीय भाव बली है तब वह धनी है, वो व्यक्ति धनी होगा। यदि लग्न कुंडली में द्वितीय भाव बली है तब वह धनी होना चाहता होगा। द्वितीय भाव बली है और द्वितीय भाव में बल बहुत ज्यादा है तो दोनों ही सूरत में धन आने की संभावना ज्यादा होती है। यदि लग्न कुंडली में द्वितीय भाव बली है तब समाज उसे धनी समझता है। इसी प्रकार यदि जातक कारकांश कुंडली में धनी नहीं है और पद लग्न कुंडली में धनी है तब वो उसको भी धनी माना जाएगा। यहाँ पर उदाहरण दिया गया, इंदिरा गांधी की कुंडली में कारकांश लग्न मकर है, बृहस्पति मकर को दुष्ट करते हैं और अर्गला प्रदान करते हैं, यह वास्तविक प्रसिद्धि है। यदि जन्म लग्न और पद लग्न एक हो तब समाज और स्वयं दोनों का स्वरूप एक ही होता है और बनावटी नहीं। अच्छा ठीक है, अब जो समझने वाली बात है इसमें वो है कि ग्रह और राशि बल को हम कैसे समझें। ग्रह राशि बल का समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ज्ञात करना होता है तीन चीजें। पहला ब्रह्मा, रुद्र और महेश्वर, या ब्रह्मा महेश्वर और रुद्र। क्या है ब्रह्म महेश्वर रुद्र? ब्रह्मा वो ग्रह होगा जिस ग्रह वो ग्रह जहां पर वो बैठा हुआ जिस राशि में उस राशि से सॉरी उस राशि से व्यक्ति का चर दशा स्टार्ट होगा, शुरू होगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा की गणना कैसे करें। ब्रह्मा की गणना होती है ग्रहों के बल, राशि के बल से और दृष्टि के बल से। तो सबसे पहले जो मूल त्रिकोण या ग्रहों की जो स्थिति है उसमें कितने कितने अंक मिलते हैं उसको पहले देख लेंगे। पहली जो तालिका है उसमें लिखा गया है ग्रह बल, महर्षि जैमिनी के उपदेश सूत्र में ग्रहों के पांच बलों का प्रावधान है। पहला जो है मूल त्रिकोण या उच्च का या नीच के ग्रह का जो अंक मिलता है, यानी उसमें जो परसेंटेज मिलता है या नंबर कह लीजिए, नंबर मिलता है, उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो किसी भी राशि में कोई भी उच्च का ग्रह बैठ जाए, उच्च का नीच का ग्रह जो है ना, वो हमने जैसा पराशरी ज्योतिष में पढ़ा हुआ है वैदिक में, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर किसी भी राशि में उच्च का ग्रह बैठा हो तो 60 अंक मिलते हैं। मूल त्रिकोण का ग्रह बैठा है तो 45 अंक मिलते हैं। स्वराशि का बैठा है तो 30 अंक मिलते हैं। मित्र राशि का बैठा है तो 22.5 अंक मिलते हैं। सम राशि का बैठा हो कोई भी ग्रह तो उसे 15 अंक मिलते हैं और शत्रु राशि में बैठा हो तो 7.5 अंक मिलते हैं। और अगर कोई ग्रह नीच का हो गया हो तो 3.75 अंक मिलते हैं, नीच के ग्रह को सबसे कम। उसके बाद वाली तालिका में ग्रहों के नैसर्गिक मित्रता के आधार पर या नैसर्गिक मित्रता की सारणी दी गई है। उसमें क्या है, सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो चंद्र, मंगल, बृहस्पति। सूर्य के साथ समभाव है बुध का और सूर्य के शत्रु जो है वो शुक्र और शनि है।
चंद्र के मित्र ग्रह है सूर्य और बुध, चंद्र के साथ समभाव है मंगल शुक्र बृहस्पति और शनि का, और चंद्र का कोई भी शत्रु नहीं। मंगल ग्रह का मित्र है सूर्य चंद्र बृहस्पति, मंगल के शत्रु है शुक्र और शनि, सॉरी समभाव है शुक्र और शनि, और शत्रु बुध को माना गया। शनि सम है, शनि सम है मंगल का, हम तो शत्रु समझते थे। शत्रु प्रभाव दिखता है लेकिन वो एक्चुअली सम है, बुध को वो शत्रु मानते हैं। क्या? बुध को मंगल शत्रु मानते हैं। हाँ हाँ वो तो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। बुध की जो मित्रता है वो सूर्य और शुक्र से है। एक मिनट हाँ, क्या वीडियो फिर चला गया क्या? नहीं नहीं आ गया। अब आते हैं बुध। बुध के जो मित्र है सूर्य और शुक्र, बुध समभाव रखते हैं मंगल बृहस्पति और शनि के साथ, बुध की शत्रुता चंद्रमा के साथ है। अब बृहस्पति आते हैं, बृहस्पति की मित्रता सूर्य चंद्र और मंगल के साथ है, बृहस्पति की समता जो है वो शनि के साथ है, और बृहस्पति के जो शत्रु हैं वो बुध और शुक्र को माना गया है। हाँ बुध और शुक्र को, ये जैमिनी सिद्धांत के नैसर्गिक मित्रता सारणी में बताया गया है। तो इस ये जब बुक आपके पास आएगी ना तो उसमें ऐसा ऐसा टेबल बनाया हुआ है, देख अब इतना दूर से तो दिख नहीं रहा, फोकस नहीं आ रहा, थोड़ा पीछे रखोगे तो आएगा, कैमरे के बहुत आगे है, अब थोड़ा सा आ रहा है, इतनी दूर का है, दिख नहीं रहा, बहुत दूर हो जा रहा है। हाँ ठीक है, ये देखो ये जो कैलकुलेशन है ना दशा चर दशा की निकालने की, ये कैलकुलेशन को समझ लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देखिए स्क्रीन में दिख रहा है? हाँ जी। मैंने जो जगन्नाथ होरा जो सॉफ्टवेयर खोला है उसमें नीचे देखिए, सबसे नीचे यहाँ पर बहुत छोटे छोटे में लिखा हुआ है नक्षत्र दशा राशि दशा अदर दशा, ठीक है? तो यहाँ पर राशि दशा को हम देखेंगे तो ये वही राशि है जो जैमिनी जैमिनी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर जो मतलब इसमें जो अभी प्रेजेंट डेट ऑफ बर्थ डाल के रखा हुआ है उस हिसाब से दशाएं मिल जाती है। इसका कैलकुलेशन हमें अलग से कहीं भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपके नॉलेज के लिए ब्रह्म रुद्र और महेश्वर की जानकारी लेना और उनको कैसे निकाला जाता है वो समझ लेना। इसके बाद आते हैं कारक। यह बल जैमिनी के सात चर कारक पर आधारित है, जिसमें कारक जैसे कारकांश जैसे हमने निकाला था आत्मा कारक आमर्त्य कारक, उसके हिसाब से उनका भी एक बल होता है, उसको भी इसमें कैलकुलेट करते हैं। आत्मा कारक का बल है 60 अंक, आमर्त्य कारक का बल है 45 अंक, भ्रातृकारक का बल है 30 अंक, मातृकारक का बल है 22.5 अंक, पुत्र कारक का बल है 15 अंक, ज्ञाति कारक का बल है 7.5 अंक और धारक कारक का बल है 3.75 अंक। इसके बाद आता है केंद्र बल, मतलब आत्मा कारक से भाव आत्मा कारक से भाव से केंद्र में। राहु केतु का कोई बल नहीं है? नहीं, राहु केतु का यहाँ पे काउंट नहीं दिखाया, यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर ब्रह्मा राहु केतु निकल के आता है तो उसको नहीं काउंट होता,
शनि राहु केतु को कभी ब्रह्मा नहीं बनाया जाता। केंद्र बल क्या होता है, अगर केंद्र स्थान में किसी भी तरह से ग्रह बैठा है आत्मा कारक, तो वो 60 अंक मिलता है केंद्र भाव। पनफर होता है ठीक केंद्र के बाद वाले जो हिस्से होते हैं, यानी 2, 5, 8 और 11, उनको मिलता है 30 अंक। अपोकीलम जो होता है वो ठीक उसके केंद्र स्थान के पीछे वाली राशि होती है, यानी कि 12, 3, 12, 3, 6 और 9। अपोकीलम को मिलता है 15 अंक, ठीक है। अब इसमें जो बताया गया है कि ये अंक इसलिए जरूरी है, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा ग्रह जो है ब्रह्मा होगा, उस हिसाब से चीजों को हम लोग निकालने के लिए अंकों की जरूरत पड़ती है। अब कर्त्री एक ऐसा पड़ाव है, कर्त्री में क्या होता है, एक ग्रह यदि विषम राशि में है और कर्त्री में है तो है, तब उसको 60 अंक बल मिलते हैं। कर्त्री मतलब बाएं और दाएं साइड में, अगर कहीं ग्रह बैठा हुआ है उसके बाएं और दाएं साइड में भी अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ कर्त्री ग्रह बैठे हुए हैं, तो वो भाव जो है वो राशि कर्त्री योग में आ जाता है। तो अगर कर्त्री यह एक ग्रह यदि विषम राशि में है और कर्त्री में है तब उसको 60 अंक बल मिलते हैं, यदि सम राशि में है और कर्त्री में है तब उसको 0 बल मिलते हैं। इस बल के लिए दोनों स्थिति जरूरी है, जैसे विषम राशि में हो तो विषम राशि में क्या क्या आते हैं, मेष, मिथुन, सिंह, तुला और धनु। मेष में क्या क्या आते हैं, सॉरी विषम राशि में आते हैं 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11, यह विषम राशियां। यह कर्त्री में है तो क्या होता है, कर्त्री का गठन जब ग्रह से 2 और 12 भाव में ग्रह हो, यानी इन भावों के इधर या इधर, आगे या पीछे, ग्रह दोनों जगह बैठ जाए तो कर्त्री भाव बन जाता है, उस भाव का बल 60 मिलता है। और अगर सम राशि यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन राशियों के अगल बगल कोई ग्रह बैठ जाए, कर्त्री में पड़ता है, तो उसका कोई अंक नहीं मिलता, वो 0 होता है। अधिपति बल क्या होता है, जब ग्रह विषम राशि का स्वामी हो, जैसे मंगल, ये विषम राशि का स्वामी है, और पाप ग्रह से युति या दृष्ट हो, तब उसको 60 अंक बल प्राप्त होते हैं। हम राहु केतु को भी लेंगे इस कंडीशन में, राहु को केतु को भी लिया जाएगा, जैसे अगर मंगल यहाँ बैठे हुए हैं और मंगल को कहीं से शनि अगर यहाँ बैठकर, शनि चौथे भाव में बैठकर मंगल को दृष्टि दे रहे हैं, विषम राशि में बैठे हुए मंगल और इसके स्वामी को, विषम राशि के स्वामी को कोई भी पाप ग्रह दृष्टि दे रहा है, तो अधिबल बनता है, उसमें राहु केतु भी आ सकता है। जैसे राहु यहाँ बैठकर अपनी नवी दृष्टि से मंगल को देख रहा हो, तो वहां पर 60 अंक और जुड़ जाते हैं। चंद्रमा के अतिरिक्त सभी ग्रहों को यह बल प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा अगर, क्योंकि चंद्रमा सम है, चंद्रमा के दृष्टि के अलावा बाकी किसी की भी दृष्टि पड़े तो ये बल प्राप्त हो सकता है।